ईद उल मिलाद उन नबी के अवसर पर सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में भी विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजरत मोहम्मद साहब की तालीम और इस्लाम के संदेश देती झांकियों का प्रदर्शन किया गया। दुनिया भर के मुसलमान आज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के मौके पर ईद मिलाद उन नबी का पर्व मना रहे हैं। जिले के डुमरियागंज में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि इस खास मौके पर विशाल जुलूस निकालकर लोगों में मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चल के इंसानियत का भला करने का पैगाम दिया गया। अकीदतमंदों से नेक रास्तों पर चलने और इंसानियत के बारे में भला करने की अपील की गई। इस मौके पर गरीब नवाज के सदर मौलाना मकसूद अकरम ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए आलमी त्यौहार का हैसियत रखता है। इस त्यौहार का मनाने का एक ही मकसद है, इस दिन हमारे नबी रसूल अल्लाह वसल्लम की पैदाइश हुई। आज के दिन हम पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देकर अपने समाज में रहकर जिंदगी गुजारे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सहयोग करती है। पहले तो इस मौके पर ईद मिलाद का जो मौका है, जो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए एक आलमी त्यौहार की हैसियत रखता है, इसके मनाने का सिर्फ एक मकसद है कि इस दिन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और आज के दिन हम अमन और शांति का पैगाम देकर पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से जो पैगाम रहा है वो ये है कि अमन शांति अखुवत भाईचारगी के साथ अपने समाज में ज़िंदगी गुजारें। मरकज़ी तंजीम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन जगहों से जुलूस लोग लेकर अपना आते हैं लोग, वो ख़ासकर आपका रुधौली बांसी इधर बस्ती तक, इधर इटवा से उतरौला तक से गाड़ियां आती हैं और इन तमाम गांवों से लोग आकर हमारे जुलूस में शरीक होते हैं। जुलूस की इब्तिदा बेवा चौराहे से होती है, वहां से जुलूस चलता हुआ बहुत ही मोहब्बत के साथ अमन के साथ पैगाम देता हुआ इस्लाम का भाईचारगी का बैदौला चौराहा वगैरह होते हुए डुमरियागंज खीरा मंडी के अंदर से शहीद बाबा की मज़ार पर दरूद व फातिहा पढ़ता हुआ जुलूस ख़त्म किया जाता है। हर साल जुलूस में प्रशासन हमारे शाना बशाना रहता है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रशासन हमें बहुत ही बेहतर सपोर्ट देता है।